Guys, in the last video we saw some fall colors and now we are entering Bishop, which is a small and cute town in Eastern California. And this town is surrounded by mountains, as you can see. I love to explore these small towns, but now after half day tour I'm very tired, so going to rest in this beautiful park. Town, Bishop town, very colorful, and you can see mountains from here. You can see fall colors here also. फ्रेंड्स, ये टाउन के बीच में क्लियर स्ट्रीम बह रही है और पूरे ही टाउन में ये स्ट्रीम बह रही है, साफ सुथरी और क्लियर वाटर। ये बहुत ही रेयर है कि आपको किसी टाउन में ऐसे बीच में से स्ट्रीम्स नज़र आती हो। हाँ, नाले दिख जाएंगे काफ़ी आसानी से, लेकिन ऐसे साफ सुथरे स्ट्रीम्स दिखनी बहुत ही मुश्किल है। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है यूएस में कि इन लोगों ने बहुत ही प्रिजर्व करके रखा है सारी चीज़ों को, काफ़ी साफ सुथरा और काफ़ी सुंदर बना के। हमें भी सीख लेना चाहिए इससे, हर किसी को एक्चुअली सीखना चाहिए कि अपने सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखे, सुंदर बनाकर रखे। अब हम बिशप से निकल रहे हैं और अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी और बीच में देखिए ये प्यारा सा टनल आया है। These are lodging facilities near Mammoth Lakes and this is Mammoth Lake. And then we visited Twin Lakes, Lake Mary, and we are stopping here at Mammoth Basin for the serene sunset. Friends, शाम के 7:30 बज गए हैं। अंधेरा काफ़ी पहले होने लगा है, तो अभी हम लोग जस्ट अपने होटल रूम में पहुंचे हैं। तो देखते हैं
ये आज के लिए हमारा रूम है, प्यारा सा है। दीदी है, तो अभी हम बाहर निकले हैं खाना खाने के लिए। बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी और ठंड भी इतनी ज़्यादा हो रही है। मैंने ये शॉल भी ले रखा है और हम यहाँ एक ये बहुत छोटे से प्यारे से टाउन में है, मैमथ लेक इसका नाम है। और हमने कुछ गूगल मैप वगैरह चेक नहीं किया और खुद से निकल के चल आए हैं कि चलो एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ क्या खाने को मिलता है। तो बहुत ज़ोर की भूख लग रही है और आप देखिए ये टाउन, छोटा सा प्यारा सा टाउन है। तो अभी हमें यहाँ ढूंढना है कि कहाँ कुछ खाने को मिले, तब जाकर भूख शांत होगी। छोटे छोटे शॉप्स बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। सामने हमें एक कैफे नजर आ रहा है। काफी शांत सा है, एक भी पर्सन नजर नहीं आ रहा बाहर। और इधर तो काफी बेयर्स भी आ जाते हैं रोड पे, या चलते चलते भी आप इनकाउंटर कर सकते हो। ये सुपर फूड एंड ड्रिंक्स यहाँ कुछ मिल सकता है। और हमने काफी सारे शॉप्स देखे और जस्ट रियलाइज किया कि 8 बज गए हैं और 7:30-8 बजे इधर सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो अभी पता नहीं क्या मिलने वाला है खाने को, तो हम बस एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। और हाँ, हम गूगल मैप्स नहीं देख ले, हम खुद से एक्सप्लोर कर रहे हैं अब जो भी, क्योंकि हमारे यहाँ फोन में सिग्नल नहीं है, इस एरिया में सिग्नल मिल ही नहीं रहा है। तो अभी हमें सब कुछ खुद से देखना है कि क्या मिलना है आज। और फाइनली अभी हमें 45 मिनट्स चलने के बाद एक पिज़्ज़ा शॉप मिला है, अब अंदर जाके देखते हैं। इनके पास वेजिटेरियन पिज़्ज़ा हो तो ठीक है। और फाइनली 1 घंटे वेट करने के बाद ये पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड मिला है। मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी तो मैं तो टूट पड़ी हूँ, फिर अभी होटल जाके सोना भी है। और फिर कल एक बहुत ही आइकॉनिक ड्राइव पे जाना है जो कि साल में 2-3 महीने ही ओपन रहता है, बाकी टाइम स्नो से कवर्ड रहता है तो उसे बंद कर दिया जाता है। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।